हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने यूटेट का फॉर्म भरा था उनके 8,000 जो अभ्यर्थी हैं लगभग, उनके आवेदन में त्रुटियाँ पाई गई हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अब आपको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास आज का यहाँ पर अमर उजाला पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो आया हुआ ये देखिए, शनिवार 3 नवंबर यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। तो देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन आई है, यहाँ पे लिखा गया है 8,000 अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटियाँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा UTET के लिए आवेदन करने वाले 8,000 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में गलतियाँ हैं। इन गलतियों को सुधारने के लिए उनके पास एक और मौका है। वह 14 नवंबर तक ऑनलाइन या फिर बोर्ड ऑफिस जाकर प्रत्यावेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के उप सचिव CP रतूड़ी ने बताया कि कुल 1,13,000 आवेदनों में से 8,188 अभ्यर्थियों के आवेदन में गलतियां मिली हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिससे इसमें यह भी बताया गया है कि आवेदन में क्या गलतियाँ हैं। अभ्यर्थी को 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, जिनमें UTT प्रथम के 5,439, द्वितीय में 3,120 अभ्यर्थी हैं। 6,629 अभ्यर्थी ने UTT प्रथम तथा द्वितीय का विकल्प नहीं भरा है। 14 नवंबर के बाद प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको 14 नवंबर तक का टाइम दिया गया है, इसमें आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको UBSC.UK.GOV.IN पर जाना है। और इस प्रकार से उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट खुल जाएगी। जब आप यहाँ पर जाते हैं तो इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा गया है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम UTET। इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया है UTET 2018 इनकम्प्लीट एंड एरर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दिया गया है, इनकी लिस्ट दी गई है जिनके इनकम्प्लीट फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे छात्रों के नाम दिए गए हैं जिसके जिसके यहाँ पे त्रुटि हुए हैं फॉर्म में। तो ये देखिए यहाँ पे रोल नंबर वाइज आपको दिए गए हैं। तो इन्होंने एग्ज़ाम कोड यहाँ पे नहीं डाला है, उसमें गलतियाँ बताई गई हैं किसकी क्या क्या गलतियाँ हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप अपना भी दे सकते हैं। और अगर आपकी फॉर्म में कोई त्रुटि है तो आप अभी 14 नवंबर से पहले पहले इस त्रुटि को सही कर लें। और देखिए दोस्तों, ये जो PDF है ये हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दे रहे हैं। और आप यहां से डाउनलोड करके अपने नाम यहां पर से एक बार सर्च ज़रूर कर लें, कहीं आपके फॉर्म में भी तो कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती है तो अभी आपको मौका है और आप 14 नवंबर तक इसे सही कर सकते हैं।